हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, कल का दिन ऐसा था जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि कल के दिन का वेट बहुत लोगों ने किया था और इंडिया के पूरे एक एक बच्चे ने इस दिन का वेट किया था, क्योंकि जीत अपने ही पलड़े पर थी। पूरी तरीके से देखकर लग रहा था जो टीम इतने धड़ल्ले से शुरुआत करी थी, वो अनबीटेबल टीम जिसने श्रीलंका जैसी लेजेंडरी टीम को हराया, जो एक टाइम पर फाइनल सेमीफाइनल जाया करती थी, वो लेजेंडरी टीम जिसने साउथ अफ्रीका के किले उड़ाए, जहां 79 या 80 रन में ऐसी लेजेंडरी टीम जो जिसे हरा पाना मुश्किल होता था, उस लेजेंडरी टीम को एक एवरेज टीम ने वर्ल्ड कप फाइनल में मात दे दी। कारण बहुत से थे, छोटी छोटी गलतियां बहुत सी थी। खैर, उन गलतियों को याद करके क्या ही फायदा, क्योंकि गलतियां तो एक बहाना था। कल का दिन ही नहीं था शायद इंडिया टीम के लिए, क्योंकि वो टीम जिसने 10 के 10 मैच लगातार जीतते हुए आई थी, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम पहले 2 मैच जबरदस्त हारते हुए, लेकिन नॉकआउट में फाइनल में ऐसा मंजर हो जाएगा ना किसी ने सोचा था ना किसी ने उम्मीद करी थी। कल शायद कोई प्लेयर का दिन ही नहीं था। तो कप्तान अपनी अच्छी पारी खेल के गए, विराट कोहली जो हर टाइम अर्धशतक शतक मारा करते थे, इस पूरी वर्ल्ड कप सीरीज में विराट कोहली के सबसे ज़्यादा रन हैं, जिन्होंने 50th सेंचुरी कंप्लीट करी, लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन किया, वो भी कल ऐसे ही रह गए। तो कल शायद किसी भी प्लेयर का दिन नहीं था। कल जसप्रीत बुमराह जो ब्रह्मास्त्र हैं, शुरुआत में काम करते नजर आए, लेकिन उसके बाद फिर वही रुझान। मोहम्मद शमी जो एक एक मैच में 4 विकेट ले रहे हैं, 5 विकेट ले रहे हैं, सेमीफाइनल में उन्होंने 7 विकेट लिया, कल उनसे बस एक ही विकेट लिया गया। कल उनका कोई बोल बाला ही नहीं था, कल उनका कोई डंका ही नहीं था। तो छोटी छोटी चीज़ों से भाई एक बड़ी हार उन्होंने तय करी। तो कारण बहुत से थे, इसलिए शायद कल का दिन हमारा था ही नहीं। सिर्फ उनकी हार नहीं हुई है, बहुत लोगों की हार हुई है, जिसने भी उम्मीद करके बैठे थे, जो एक्सपेक्टेशन में बैठे थे कि यार इस बार वर्ल्ड कप हमारा होगा, उनकी हार नहीं है, सभी। तो ये बात करते हैं टाइगर 3 के क्या रुझान चल रहे हैं। भाई इस मूवी की भी धज्जिया उड़ी पड़ी है, गलत टाइम पे रिलीज करा, ये बहुत हाई पोटेंशियल वाली मूवी थी जो ब्लॉकबस्टर कमाई कर सकती थी, अभी भी कर रही है, लेकिन उस लेवल की ब्लॉकबस्टर कमाई कर सकती थी जैसे पठान ने करी है, जैसे जवान ने करी है, जैसे लियो मूवी ने करी है। तो कल का फाइनल ऑब्स्टेकल वाला दिन अपना कंप्लीट करके ये मूवी आज डे 9 पर एंट्री मार गई है। तो अभी कंप्लीट बात करेंगे कल कैसी कमाई रही, आज का रुझान कैसा चल रहा है, कैसी कमाई ये अभी तक कर चुकी है नेट इंडिया से, ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सभी चीज़ों पर एक एक करके नजर मारेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कब, जब एक आध मिनट में आपको काम पसंद आ जाए तब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट डे ओपनिंग जबरदस्त रही है 94 करोड़ की पूरी दुनिया से, और पहले 3 दिन जब इस मूवी ने कंप्लीट किया था तो नेट इंडिया कलेक्शन ये मूवी 148 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन अपने खाते में रख चुकी थी, जो फास्टेस्ट 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने वाली थर्ड बिगेस्ट मूवी बन गई थी आफ्टर जवान एंड पठान। और पूरी दुनिया से पहले 3 दिन में ही ये मूवी 240 करोड़ के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में अपनी एंट्री मार चुकी थी, और फास्टेस्ट पहले 3 ही दिन में 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने वाली थर्ड बिगेस्ट मूवी बन चुकी थी बॉलीवुड हिंदी सिनेमा की। फर्स्ट वीक कंप्लीट करते करते ये मूवी अपने खाते में पहले 7 दिन में ही सिर्फ हिंदी से 214 करोड़ 25 लाख का ह्यूज कलेक्शन कर लिया था, और नेट इंडिया से अभी तक हो चुका था पहले 7 ही दिन में 220 करोड़ 25 लाख के आसपास, और ग्रॉस कलेक्शन आते आते दिखा था फर्स्ट वीक कंप्लीट करते करते 263 करोड़। इसी के साथ पूरी दुनिया से ये मूवी लगभग में लगभग 348 करोड़ के जाइंट आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी, जो कि एक ह्यूज ग्लोरी है, ह्यूज विक्ट्री है, क्योंकि इस टाइम पर इसे कोई प्रॉपर हॉलीडे भी नहीं मिला है, क्योंकि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एंड फाइनल चल रहे थे। तो इस वजह से बहुत सी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस अपने घर में ही रहना पसंद, क्यों, क्योंकि उन्हें मैच देखना था, और थिएटर तक बहुत कम लोग गए। दूसरा यार, यहाँ तक आते आते लोगों की जेब भी ढीली हो चुकी, क्योंकि इस साल एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मूवी आ चुकी हैं और अभी लाइन पर लगी पड़ी हैं। 1 दिसंबर को एनिमल मूवी आ जानी है, देन सैम बहादुर आ जानी है, देन 21 और 22 दिसंबर को सालार और डंकी, इस साल की जाइंट फिल्म जो ब्लॉकबस्टर है, डायनासोर और शेर खान की लड़ाई दिखाई जा रही है, वो मूवी आ जानी है। तो लोग अभी अपना बजट मेंटेन करके भी चल रहे हैं, आगे की प्लानिंग करके भी चल रहे हैं,
दैट्स वाई कि टाइगर थ्री को बहुत ज़्यादा इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है इन इकोनॉमिक वेज में। तो अभी तक बात करते हैं कि फर्स्ट इस साल की मतलब हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी कौन थी 2023 की फर्स्ट वीक में जिसने हाईएस्ट कलेक्शन किया है नेट इंडिया से, जवान है जिसने 370 करोड़ किया है, पठान जिसने 343 करोड़, उसके बाद थर्ड नंबर पर गदर 2 जिसने 285 करोड़ और चौथे नंबर पर कहीं टाइगर 3 आते नजर आ रही है। वैसा मुद्दे की बात पर आओ कि कल का दिन कैसा रहा है, कल वर्ल्ड कप फाइनल था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो यहाँ कैसा रुझान देखने को मिला है टाइगर 3 का, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में घूम रही थी और कुछ एक अपने घर में घूम रहे थे, तो वहाँ टाइगर 3 के थिएटर्स में कौन गया है इस मूवी को देखने के लिए। देखा जाए तो फिर भी अच्छा खासा कलेक्शन है, नेट इंडिया से 15 करोड़, ग्रॉस कलेक्शन 18 करोड़ और पूरी दुनिया से कल एंड ऑफ द डे तक ये मूवी 22 करोड़ के आसपास कमाई करते नजर आई है। तो मैच ने तो भाई इसकी लंका लगा दी टाइगर 3 की, बाय गॉड। बात करें आज यानी डे 9 पर आज कैसी ग्रोथ चल रही है, क्योंकि आज तो अब सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, ना वर्ल्ड कप है ना कुछ है, लेकिन आज मंडे वर्किंग डे है और वर्किंग डे में सभी की लंका ऑलरेडी लग जाती है, चाहे जवान हो चाहे पठान हो, ये सारे रुझान हमने तब भी देखे थे और अब भी देख रहे हैं। लियो के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ और सभी मतलब बड़ी बड़ी मूवी के टाइम पर भाई मंडे वर्किंग डे है, वर्किंग डेज में हमेशा कमाई स्लो ही जाती है, लेकिन टाइगर 3 ऑनेस्टली दमदार मूवी है। तो अभी बात करते हैं कि आज नेट इंडिया से एंड ऑफ द डे तक लगभग में लगभग 11 से 12 करोड़ आ सकता है, ग्रॉस कलेक्शन 15 करोड़ आते दिख रहा है और पूरी दुनिया से ये मूवी आज 20 करोड़ का ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में लेते नजर आ रही है। तो आज एंड ऑफ द डे तक ये मूवी पहले 9 दिन में कितनी कमाई कर चुकी थी, नेट इंडिया से ये मूवी आज 247 करोड़ 25 लाख के आसपास कमाते नजर आ रही है और पूरी दुनिया से 390 करोड़ के आंकड़े को छूती नजर आ रही है, मतलब स्लाइटली 400 करोड़ के आंकड़े को टच तो कर रही है। तो अभी बात आती है कि ये मूवी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है, भाई मेरे हिसाब से मूवी इजी टू इजी 500 से 550 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय।